राइजन हॉस्पिटल विश्व स्तरीय मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल रायपुर के हृदय स्थल में उपलब्ध जटिल ऑपरेशन क्रिटिकल केयर व आधुनिक इमरजेंसी सेवाएं आपकी हर बीमारी का संपूर्ण इलाज राइजन हॉस्पिटल जलविहार कॉलोनी कटोरतला रायपुर। तो बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज रायपुर के राजीव भवन में पहुंचकर पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को नमन किया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज रायपुर के राजीव भवन में पहुंचकर पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की जयंती पर माल्यार्पण कर उन्हें नमन किया है। इस मौके पर भूपेश बघेल ने इंदिरा गांधी को याद करते हुए कहा कि इंदिरा गांधी ने आजीवन गरीबों और कमजोर वर्गों के उत्थान के लिए प्रयास किया है और देश की एकता और अखंडता की रक्षा के लिए अपना जीवन न्यौछावर कर दिया। राष्ट्र उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहा है। इंदिरा जी की यादें छत्तीसगढ़ से भी जुड़ी हुई हैं। अनेक अवसर पर वो छत्तीसगढ़ आई और देश के लिए जो उनका योगदान है, राष्ट्र कभी उन्हें भुला नहीं पाएगा। उन्होंने जहां राजा महाराजाओं के प्रिय पर्स खत्म किए, जहां बैंकों के राष्ट्रीयकरण करके आम जनता के लिए खोला, वहीं हरित क्रांति के माध्यम से देश को अनाज के मामले में आत्मनिर्भर किया। उन्होंने गरीबी हटाओ का नारा दिया। आज इंदिरा जी को हम सब याद करते हैं। लोग उसे दुर्गा का अवतार भी कहते थे। उस इंदिरा जी के नेतृत्व में पाकिस्तान के साथ जब लड़ाई हुई तो उन्हें दो टुकड़ा करते हुए बांग्लादेश विश्व के मानचित्र में एक नया देश का उदय उनके नेतृत्व काल में हुआ। ऐसे महान नेत्री देश के एकता और अखंडता के लिए, देश के समृद्धि के लिए उन्होंने पूरा जीवन बिताया और देश के एकता और अखंडता के लिए अपने प्राणों की आहुति की। ऐसे महान नेत्री के आज जयंती के अवसर पर हम सब कांग्रेसियन और पूरा देश उन्हें नमन कर रहा है। मैं उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ।